बिल्कुल, देखिए यूपी की राजनीति की अगर बात हो रही है ब्रजेश जी, तो सवाल आम आदमी पार्टी को लेकर है, क्योंकि नया तड़का उत्तर प्रदेश में लगने जा रहा है, फ्री की पॉलिटिक्स जो है एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, तो क्या लग रहा है आपको, कितनी बड़ी टक्कर इसको मान रहे हैं और कितना असर आपको लग रहा है? पूरे प्रदेश के लोग टक्कर की बात पे हंस गए, पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की नीतियों की बदौलत और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कार्य किया उनकी बदौलत हम जनता के बीच में है। और मैं चार दिन के बाद जन विश्वास यात्रा को कल रात में लौटा हूँ। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद पहली बार कोई ऐसी सरकार होगी जिसको इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल करके लाखों की संख्या में माता बहन बुजुर्ग नौजवान सभी आशीर्वाद दे रहे हैं। रिक्शे वाले, ठेले वाले, सड़क वाले, साग सब्जी वाले, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। और दावे के साथ मानकर चलिए, कहे कुछ भी, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और सबको अधिकार अपनी बात रखने का। हम पिछली बार से भी अधिक सीटें जीत करके प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले। चलिए, आप भी प्रचंड बहुमत जी, गुंजन के पास एक सवाल, संजय जी से सवाल। गुंजन, संजय जी, पहली बार आप आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या लग रहा है, आप क्या सोच रहे हैं कितनी सीट आज जीत पाएंगे, क्योंकि कहा तो यह जा रहा है 400 की बात कर रहे हैं, आप भी बता, बीजेपी और सपा के बीच कड़ा मुकाबला, आप अपने आप को कहां देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं बहुत कई बार इस चीज को स्पष्ट कर चुका हूं और आपके इस चुनावी एक्सप्रेस में भी स्पष्ट कर देता हूं, आज वोट बैंक की राजनीति होती है। तो मैं कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी का कोई जाति का वोट बैंक नहीं है, कोई धर्म का वोट बैंक नहीं है, मैं कोई वोट बैंक का दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश की जनता के सामने एक मॉडल रखा है कि हमारी सरकार बनने पर हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हमारी सरकार बनने पर हम शिक्षा की व्यवस्था बेहतर करेंगे, 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को और 10 लाख नौकरियां हर साल। इन तमाम मुद्दों के साथ हम जा रहे हैं जनता के बीच में। अगर आप जनसमर्थन की बात कर रहे हैं तो हमें तो जिला पंचायत में भी कोई नहीं गिन रहा था, रोहित जी 83 सीटें हमें जिला पंचायत में मिली, 40 लाख वोट मिले हमें जिला पंचायत के चुनाव में। और ब्रजेश जी हमारे मित्र हैं, इन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे मुद्दों पर कार्रवाई की। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक इनसे पूछना चाहता हूँ, टिकैत साहब यहाँ बैठे हुए हैं, क्या लखीमपुर कांड उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता भूल सकती है? अजय मिश्रा की गाड़ी से 4 किसान और 1 पत्रकार कुचल के मार दिए और देश के गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं आज भी वो, तो क्या इस घटना को हम लोग भुला सकते हैं? क्या मनीष गुप्ता का कांड हम भूल सकते हैं? इंद्रकांत त्रिपाठी, मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ, इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी ने वीडियो बना के अपील की मुख्यमंत्री जी से कि मेरी जान बचा लीजिए, एसएसपी रंगदारी मांग रहा है, एसएसपी उत्तर प्रदेश का 302 का मुलजिमा फरार है वो। मैं स्पष्ट कर चुका हूं, हमने कड़ी कार्रवाई की, जो भी आपराधिक घटनाएं हुई, ऑर्गेनाइज माफिया क्रिमिनल्स को पूरे प्रदेश से समाप्त किया, इसी प्रदेश में एक एक गाड़ी में 20-20 बंदूकें भर करके AK-47 तड़कती थी गाजीपुर से लेकर के उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में, और सरकारी ठेकों की लूट होती थी। हमने ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स को पूरी तरह से प्रदेश से समाप्त किया है। आपसी वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं घटी हैं उनमें हमने कड़ी कार्रवाई की है, चाहे आप महोबा की बात कर रहे हैं, IPS को फरार घोषित किया, इनाम घोषित किया, हम कुर्की की कार्रवाई कर रहे हैं। जहां तक लखीमपुर की घटना की चर्चा संजय जी ने की, लखीमपुर की घटना में सोचिए अगर किसी मंत्री का बेटा कहीं इन्वॉल्व है, हमने उसको भी नहीं बख्शा, कानून के तहत कार्रवाई किया, वो जेल में सड़ रहा है। SIT की रिपोर्ट आई रोहित जी, जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये एक सुनियोजित कांड है, और 25 तारीख का वीडियो वायरल हुआ था मंत्री जी का, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मंत्री बनने से क्या पहले था वो पता कर लीजिए, 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। अब सुनियोजित साजिश जब आ रही है तो नैतिकता के आधार पर कानून भी ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित SIT है, कि उनको इस्तीफा देना चाहिए अपने पद पर। पूरा देश आपके 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 रिपोर्टर के साथ किस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता। बिल्कुल, देखिए हमारी तो ये स्थिति है संजय जी की, जो जिसके बारे में अच्छा कहते हो कहते हैं सब अच्छे हैं, जिसके बारे में बुरा कहते हो कहता बुरे, हमें तो आदत हो गई है सुनने की। लेकिन ब्रजेश भाई, फाइनल कमेंट आपका, इस इन्होंने बार बार लॉ एंड ऑर्डर की बात की और इन्होंने अपने दिल्ली मॉडल की बात की, फाइनल कमेंट। लॉ एंड ऑर्डर पर उत्तर प्रदेश में किसी भी आम नागरिक से आप पूछेंगे, वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को भाजपा सरकार में बेहतर से बेहतर मानेगा। उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख करोड़ का निवेश हुआ है, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े उद्योगपति आज निवेश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक माहौल बना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत, जहाँ हम बड़े पायदान पर थे हम उसको बहुत पास लेकर के आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सैमसंग जैसी कंपनियां जिसका चाइना में ये जो हम लोग स्क्रीन यूज करते हैं इसकी फैक्ट्री लगी थी वो नोएडा में लगी है। तो मेरा ये सीधा सीधा दावा ये है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को हमने नियंत्रित किया है, कंट्रोल किया है, और
जीरो टॉलरेंस की नीति, जीरो भ्रष्टाचार पर और कानून व्यवस्था पर हमने जीरो टॉलरेंस की, जो भी अपराध घटित हुआ है हमने उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। हमने फसल का दाम मांगते हुए किसानों को रोते हुए देखा है और लाठियां खाते हुए और आंसू गैस के गोले झेलते हुए देखा है। हमने उत्तर प्रदेश में बच्चों को नमक रोटी खाते हुए देखा है और ठंडियों में ठिठुरते हुए देखा है, उनको उनके बस्ते नहीं मिले, स्वेटर नहीं मिले, ड्रेस नहीं मिले। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा है गंगा नदी के घाटों पे कोरोना के दौरान लाशें सड़ती हुई हमने देखा है, बिल्कुल संजय सिंह आपका कहना है कि ये जो चील का उसको नोच रहे थे हमने देखा है, हम भूले नहीं है किस तरह से हाथरस कांड हुआ था, गरीब की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया। उत्तर प्रदेश की जनता ने इन चीजों को देखा है, झेला है, कुल मिलाकर है और वक्त आने पे जवाब देंगे। संजय सिंह जी, आपने इस हॉट सीट का माहौल और भी हॉट कर दिया। मैं बताऊं संक्षेप में, मुझे एक लाइन में जी, हमने भी देखा अभी आज अखबार में, दिल्ली जैसे शहर में जो राष्ट्रीय राजधानी है, डॉक्टरों की हड़ताल चल रही, कोई पूछने वाला नहीं है। लो, आपने भी देखा, उन्होंने देखा। संजय, मुझे माफी के साथ आपको रोकना होगा दोनों लोगों। दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा तो पूरी दुनिया में हो रही है। ट्रंप की बेटी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल का स्कूल देखा।